हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एक बार फिर से आप सभी का शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज। असम पुलिस का जो स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है और अच्छी संख्या में वैकेंसीज यहां पर आई हैं। 705 जो पोस्ट हैं वो आई हैं कांस्टेबल यूबी के लिए, यूबी मींस अनआर्म्ड ब्रांच के लिए, और 1429 पोस्ट जो हैं वो घोषित की गई हैं कांस्टेबल एबी यानी कि आर्म्ड ब्रांच के लिए। तो इस विज्ञप्ति से, इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारी है आज के सेशन में हम सभी ये जानकारियां समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन भरने के लिए ऑनलाइन मोड ही है और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं दिनांक 10/12/2021 से और जारी रहेगी दिनांक 9 जनवरी 2022 तक। टाइमलाइंस का विशेष ध्यान रखिएगा, 10/12 को शुरू हो गई है और 9 जनवरी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको असम पुलिस का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.slprbassam.in पर जाना है और ये जो विज्ञप्ति है ये इसकी भी ऑफिशियल सूचना इसी वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है। आप ये पूरा सर्कुलर होम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, समझ लीजिए एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस दे नहीं है, आप निशुल्क इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अनआर्म्ड ब्रांच जो है उसके लिए वैकेंसीज की संख्या है 705 और आर्म्ड ब्रांच के लिए 1429 वैकेंसीज घोषित की गई हैं। यह है आपके सामने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी प्लान। असम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे इस टेबल में लिखित हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज ये रही आपके सामने। इन डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले कंडीशन है एलिजिबिलिटी पात्रता की वो ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, आपके पास में असम स्टेट की स्थायी नागरिकता होना आवश्यक है। दूसरी बात, आप सभी को जैसा कि विदित है, जानते हैं आप लोग कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको यदि इस विज्ञप्ति के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना है तो आपका जो नाम है वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो असम में है उसमें दर्ज होना आवश्यक है और आपको असामी या कोई भी अन्य जो स्टेट की भाषा है वो आनी आवश्यक है। आइए अब जानते हैं एज क्राइटेरिया से संबंधित जानकारी। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 25 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपका जो डेट ऑफ जो एज है वो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1/7/2023 से तीन से लेकर के 1/7/1996 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं, आयु में कुछ छूट है जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार है, वो आप इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी। अनआर्म्ड ब्रांच में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, क्लास 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और यदि आप आर्म्ड ब्रांच के लिए भर्ती प्रक्रिया देख में भाग लेना चाहते हैं तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है क्लास 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से, क्लियर। आइए अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, शारीरिक मापदंडों की। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी, एमओबीसी और एससी कैटेगरीज के लिए मिनिमम हाइट चाहिए
162.56 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 154.94 सेंटीमीटर। एंड एसटी कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाइट मेल्स के लिए 160.02 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152.4 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो कि सिर्फ मेल अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है, जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव यानी कि नॉर्मल, और एक्सपेंडेड यानी कि फुलाव के साथ में 85.85 सेंटीमीटर। अब जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स। यदि आप नॉग्ड नी, फ्लैट फुट या स्क्विंट आईड इनमें से किसी से भी ग्रसित हैं या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हो सकता है, राइट? और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप www.slprbassam.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए एक मोबाइल नंबर, यूनिक मोबाइल नंबर आवश्यक है जिसके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ जो कि 1 जुलाई 2021 के बाद का लिया हुआ ही फोटो होना आवश्यक है। और फोटो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, किसी भी डार्क कलर के बैकग्राउंड में प्लीज आप लोग फोटोज नहीं बनवाएं। इसके अलावा आपको चाहिए सिग्नेचर, आपके जो स्कैंड सिग्नेचर हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में, और बाकी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, अपना नाम दर्ज कराया है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है, और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या छूट के लिए, तो वो आपके पास में स्कैंड कॉपी होना आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने सभी आवश्यक जानकारी आपको दे दी है, और अन्य जानकारी के लिए आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को असम पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और बेहतरीन तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, जो कि देगा आपको यूनिक फीचर्स जैसे कि लाइव क्लासेस, डाउट बॉक्स, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम्स, वीडियो लेक्चर्स एंड ई बुक्स। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड पूरे शौर्य भारत के परिवार से, आप परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक्स।